ये वो जान लो कैसे होता है sin 1 माइनस थीटा और माइनस sin 1 ठीक है sin 1 माइनस को थीटा लेके चलोगे तो इस रिलेशन को हम ऐसा ले सकते हैं माइनस x बराबर sin 1 थीटा को बदल देंगे sin थीटा माइनस 1 गुना करोगे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा ठीक है और ये क्या होगा माइनस sin थीटा तो बोलो x बराबर माइनस sin थीटा को ले सकते हैं क्या sin ऑफ माइनस थीटा फिर साइन को इस साइड लिखोगे तो साइन माइनस हो जाएगा बराबर क्या माइनस थीटा फिर माइनस में गुना कर दोगे तो माइनस साइन इनवर्स बराबर क्या थीटा और कॉस इनवर्स में क्यों आता है क्योंकि माइनस एक्स बराबर कॉस थीटा लिखोगे और माइनस कॉस को हम कॉस माइनस थीटा क्या होता है सिंपली प्लस कॉस थीटा तो इसको हम कॉस माइनस नहीं लिख सकते ठीक है इसलिए कॉस पाई माइनस करना पड़ेगा क्योंकि कॉस पाई माइनस सेकेंड सेकेंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है ठीक है तो याद रखना जब भी साइन इनवर्स के साथ माइनस दिखे कॉस इनवर्स के साथ माइनस दिखे तो क्या करना है उसको पहले माइनस को बाहर करना है ठीक है कॉट में कॉस इनवर्स पे और सेक इनवर्स पे पाई माइनस होगा देखो साइन इनवर्स साइन थीटा अगर दिखाई दे क्या लिखोगे थीटा लिखोगे सुनो ध्यान से साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या लिखोगे थीटा बताओ ये थीटा किसका मान आया साइन इनवर्स का मान आया या साइन का मान आया साइन इनवर्स का मान आया ना थीटा किसका मान आया साइन इनवर्स का और साइन इनवर्स का रेंज क्या बताया थे रेंज क्या बताया थे अधिकतम मान और न्यूनतम मान तो याद रखना ये थीटा आएगा वो माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू के बीच होगा ठीक है किसके बीच होगा माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू के बीच होगा बताओ कॉस इनवर्स कॉस थीटा का मान अगर थीटा आएगा तो ये किसके बीच होगा जीरो और पाई के बीच कॉस इनवर्स कॉस रहेगा तब भी थीटा ही लिखना लेकिन देखना है कि क्या थीटा उसके रेंज में है मतलब जीरो और पाई के बीच में है फिर देखो ऐसे टेन इनवर्स टेन थीटा रहा तब भी क्या लिखोगे थीटा ही लिखोगे लेकिन याद रहे ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होना चाहिए इसका जो है रेंज होता है क्या होता है माइनस पाई टू से लेकर कहाँ तक पाई बाई टू तक कॉट इनवर्स कॉट थीटा रहेगा तो उसको भी क्या लिखोगे कॉट इनवर्स कॉट थीटा को भी क्या लिखना है थीटा ही लिखना है लेकिन ये क्या होना चाहिए जीरो और पाई के बीच होना चाहिए ठीक है मतलब जब भी ऐसा दिखाई दे सिर्फ थीटा लिखना है लेकिन देखना है कि क्या थीटा इसके बीच में है जैसे एक क्वेश्चन बताओ साइन इनवर्स साइन पाई बाई फोर ठीक है बताओ साइन इनवर्स साइन हटेगा क्या लिखोगे पाई बाई फोर लिखोगे पाई फोर का मतलब कितना डिग्री 45 डिग्री क्या 45 डिग्री के बीच है माइनस नब्बे प्लस नब्बे के बीच होगा ये 90 डिग्री है ना 180 का था क्या 90 तो 45 डिग्री जो है माइनस नब्बे और प्लस नब्बे के बीच में है ठीक है तो ये हमारा आंसर सही होगा लेकिन अगर ऐसा होगा साइन इनवर्स साइन थ्री पाई बाई फोर तो अगर इसको लिखते हो थ्री पाई फोर तो ये लिखना क्या है गलत है क्यों क्योंकि थ्री पाई फोर जो है 135 डिग्री होता है और 135 डिग्री माइनस नब्बे प्लस नब्बे के बीच में नहीं है ठीक है तो ये आंसर नहीं होगा याद रखना रेंज रेंज इसलिए जरूरी है कि उसका वैल्यू हम अच्छे से लिख पाए देख करके ठीक है तो साइन इनवर्स साइन थ्री पाई फोर नहीं लिख सकते हैं जबकि फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स साइन थीटा का क्या होता है थीटा तो हम ये लिख सकते हैं लेकिन देखना पड़ेगा ये भी क्या इसके बीच में है तो नहीं है तो नहीं लिखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा सॉल्व करेंगे ठीक है फिर आगे बताएंगे पाई माइनस करके सॉल्व करना पड़ेगा लिख लो इसको फिर सेक इनवर्स सेक थीटा इसको भी थीटा लिखना लेकिन ये जीरो से पाई के बीच में होना चाहिए पाई बाई टू नहीं होना चाहिए ठीक है कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा वो थीटा लिखना और ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होना चाहिए लेकिन क्या नहीं होना चाहिए सिर्फ नहीं होना चाहिए देख लो
एग्जांपल देके करके सॉल्व करना, एग्जांपल से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ये क्वेश्चन करके लाना कि इसका वैल्यू होगा क्या घर से, ठीक है? ये क्वेश्चन करके लाना। इसके लिए क्लास 10 का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैल्यू होना साइन 60 का मान, साइन 30 का मान, cos 60, tan 30, ये सब मान याद होना चाहिए, ठीक है? देखिए इसको हल करना है साइन वर्स रूट 3/2 को, देखो पहले फिर बात लिखूंगा, ठीक है? साइन वर्स रूट 3/2 यहाँ पे क्या लिखवाया गया, साइन वर्स साइन थीटा रहेगा, तो आंसर क्या होगा? थीटा। तो साइन इनवर्स यहाँ पे है, तो अंदर में क्या होना चाहिए? साइन होना चाहिए। क्या लिखोगे? साइन इनवर्स साइन, साइन कितना डिग्री का मान लीजिए? 45 का मान, 60। यहाँ पे क्या लिखोगे? 60। देखो साइन इनवर्स भी लिख दिए, इसका मान रूट 3/2 है, तो साइन 60 का मान होता ही है। तो ये वाला फोटो, ये वाला फोटो दोनों सेम है, सेम है। अब बताओ साइन वर्स साइन थीटा, तो थीटा लिखेंगे, बताओ साइन वर्स साइन हट जाएगा, क्या लिखाएगा सर? 60 डिग्री। लेकिन देखना है क्या 60 डिग्री इसके बीच में है, माइनस 90 प्लस 90 के बीच में है, तो हमारा आंसर ये सही है, ठीक है? डिग्री को रेडियन लिखना होगा, पाई बाई 3 कर देंगे, 180/3 कितना हो जाएगा? 60। इसमें भी आंसर दे सकते हो, लेकिन बुक में ऐसा रहेगा, तो रेडियन में कोशिश करना देने का आंसर, ठीक है? तो अब बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन है, tan इनवर्स माइनस 1/√3, tan इनवर्स माइनस 1/√3 क्या? तो पहले किसका काम तुम्हारा करना है? माइनस का। क्या बताया गया? tan इनवर्स माइनस रहेगा तो माइनस में ले क्या करना है? बाहर क्या हो जाएगा? माइनस tan इनवर्स 1/√3 ऐसा हो। अब बताओ माइनस tan इनवर्स, अब क्या करना है? इसको tan के रूप में लिखना है, किसके रूप में? जो भी tan इनवर्स tan ही ना आसान होता है, तो बोलो tan कितना डिग्री का मान होता है? 30 डिग्री। तो क्या लिखोगे? 30 डिग्री। रेडियन में क्या हो जाएगा? पाई बाई 6। अब बताओ ये माइनस है, tan इनवर्स tan हट जाएगा, क्या आएगा? पाई बाई 6। इसका वैल्यू पाई बाई 6 हो गया। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन सॉल्यूशन? लिखो इसको।